नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मुद्रा विज्ञान के तहत आज हम जानेंगे ज्ञान मुद्रा के बारे में। यह मुद्रा योग विज्ञान में चार चांद लगाने वाली और इसे मुद्रा शिरोमणि भी कहा जाता है। बहुत से संत महात्मा ऋषि मुनि इसी मुद्रा में ध्यान करते थे, जैसे गौतम बुद्ध, भगवान महावीर आदि ने इसी मुद्रा में ज्ञान करके सिद्धि प्राप्त की। मेडिटेशन के लिए यह महत्वपूर्ण मुद्रा है, इसीलिए इस मुद्रा को ध्यान मुद्रा भी कहा जाता है। इसी मुद्रा को सरस्वती मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों के लिए यह मुद्रा ब्रेन टॉनिक का काम करती है। तो आइए अब हम जानते हैं ज्ञान मुद्रा कैसे की जाती है और इससे हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। ज्ञान मुद्रा करने के लिए हम सुखासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठ सकते हैं। वैसे यह सिर्फ एकमेव मुद्रा ऐसी है जिसे हम टहलते वक्त खड़े रहते हुए, बैठते हुए, लेटे हुए भी कर सकते हैं। लेकिन विशेष लाभ के लिए इसे हमें किसी विशेष आसन स्थिति में अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में आप बैठ सकते हैं। दोनों हाथों का अंगूठा, जो कि अग्नि तत्व का प्रतीक है, और तर्जनी, जो वायु तत्व का प्रतीक है, आपस में मिलाना है। शेष तीन उंगलियां हमें सीधी रखनी है और दोनों हाथों को घुटनों पर रखना है। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी और दोनों उंगलियों में हल्का सा दबाव रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कैसे करेंगे। ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करते वक्त आपको सांसों को लंबा और गहरा लेना है, लेकिन सहजता से लेना है, कोई दबाव नहीं, कोई फोर्स नहीं। जब आप सांसों को लेंगे तो तर्जनी और अंगूठा जहां जुड़े हुए हो वहां थोड़ा अधिक दबाव देंगे, और जब सांस छोड़ेंगे दबाव कम होगा, लेकिन ध्यान रहे उंगलियां आपस में जुड़ी हुई रहे। पूरे अभ्यास के दौरान आपका शरीर स्थिर रहेगा और चेहरे पे प्रसन्नता रहेगी। अब हम जानते हैं ज्ञान मुद्रा हमें कब करनी चाहिए और कितने देर करनी चाहिए। वैसे तो ज्ञान मुद्रा करने के लिए कोई विशेष समय नहीं है, इसे आप कम से कम 30 सेकंड से लेकर 45 मिनट तक भी कर सकते हैं। अगर आप ध्यान का विशेष अभ्यास करना चाहते हैं तो इसे कम से कम 45 मिनट तक तो जरूर करना चाहिए। ज्ञान मुद्रा को हम योगाभ्यास के दौरान, मेडिटेशन के दौरान, सुबह शाम किसी भी वक्त, जब हम खड़े हैं, टहल रहे हैं, या अगर नींद नहीं आ रही है तो लेटे हुए भी हम ज्ञान मुद्रा कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा को हम ट्रैवलिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम ज्ञान मुद्रा करने का, अगर हम इसे ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सुबह 3:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में करें तो इसका लाभ हमें अधिक प्राप्त होगा। अब हम जानते हैं ज्ञान मुद्रा से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। माता सरस्वती के उपमा से अलंकृत ज्ञान मुद्रा विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसके अभ्यास से बुद्धि तेज और स्मरण शक्ति उन्नत होती है। कई बार बच्चों को जल्दी याद नहीं होता या एग्जाम के समय भूल जाते हैं। इस मुद्रा के नियमित अभ्यास से उनके ज्ञान तंतु सक्रिय होते हैं, उनकी मेमोरी तेज होती है, साथ ही एकाग्रता भी बढ़ती है। चिंता, तनाव, चिड़चिड़ापन यह मुद्रा करने से काफी हद तक कम होता है। ज्ञान मुद्रा क्रोध को शांत करती है। क्रोध आते ही लंबा गहरा श्वास लेते हुए इस मुद्रा का तुरंत सहारा लिया जाए तो थोड़े समय में ही गुस्सा शांत हो जाता है। माइग्रेन में ज्ञान मुद्रा के साथ प्राण मुद्रा करें तो अच्छा लाभ होता है। कई लोगों को ओसीडी की समस्या होती है, जैसे कोई क्रिया बार बार करना, मान लो बार बार हाथ धो रहे हैं या कोई शब्द बार बार दोहरा रहे हैं, उनके लिए यह मुद्रा काफी अच्छी मानी गई है। मेंटल रिटार्डेशन या ऑटिज्म अर्थात जिन बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो गया हो, उनमें यदि ज्ञान मुद्रा की आदत डाल दी जाए तो कुछ समय में उनकी बौद्धिक क्षमता में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो सकता है। अनिद्रा में यह मुद्रा पेटेंट कैप्सूल की तरह काम करती है। डीप ब्रीदिंग करते वक्त यह मुद्रा करें तो शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई और तेजी से बढ़ता है। मेडिटेशन के लिए यह मुद्रा बेस्ट है। इस मुद्रा में ध्यान करने से मन स्थिर होता है, ध्यान में प्रगति होती है, संकल्प शक्ति बढ़ती है, माइंड रिलैक्स होता है, मानसिक शांति मिलती है, चेहरे पर अपूर्व प्रसन्नता झलकने लगती है।
ज्ञान में ना सिर्फ हमारे आईक्यू अर्थात इंटेलिजेंट क्वेश्चन को बढ़ाती है बल्कि यह मुद्रा हमारे ईक्यू यानी इमोशनल क्वेश्चन को भी बढ़ाती है जिससे हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रहते हैं। साथ ही ज्ञान मुद्रा से आध्यात्मिक विकास भी होता है अर्थात हमारी स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ती है। अगर साधक अपनी साधना में मग्न होकर नियमित लगातार काफी समय तक ज्ञान मुद्रा का अभ्यास करे तो उसकी छठी इंद्रिय का विकास होकर उसे दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो सकती है जिससे उसे त्रिकाल की घटनाओं का वह देख सकता है तथा दूसरों के मन की बातों को जान सकने की क्षमता उसे प्राप्त होती है। तो दोस्तों यथा नाम तथा गुण वाली यह ज्ञान मुद्रा करने में तो आसान है लेकिन फायदों में महान है, तो अतः हमें इसे हमारे हर रोज के अभ्यास में जरूर शामिल करना चाहिए और इसके अनगिनत लाभों को प्राप्त करना चाहिए। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगती है तो कृपया इसे अपने मित्र परिवार के साथ शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य उपयोगी जानकारी के लिए आप हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।